टॉपिक दैट इज अबाउट एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन. आज हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या, वो किस कैटेगरीज की हैं, किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जा रही हैं और उनका क्या इस्तेमाल है, कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है. डिफाइन एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स इज अ ड्रग दैट किल्स और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स जो है वो दो उसके सोर्सेज थे, प्लांट्स या बैक्टीरिया या फंगस. या तो हम फंगस से हासिल करते हैं एंटीबायोटिक्स या हम बैक्टीरिया से. लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी फंगस से हासिल होने वाली एंटीबायोटिक की, पेंसिलिन. दैट कम फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम, एक फंगस का नाम था. इसी तरह हम देखेंगे बैक्टीरिया से जो हासिल होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन सी हैं, उनका इस्तेमाल क्या है. तो डेफिनेशन क्लियर हो रही है बच्चों? इट इज़ अ ड्रग दैट किल्स और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ये ऐसी ड्रग है जो किल कर देती है या फिर रोक देती है किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हो रही है. अंडरस्टैंड? अगर आप देखिए एंटीबायोटिक जो है वो उसके आगे वो दो तरह के ट्रीट कर रही है बैक्टीरिया को, या तो वो बैक्टेरियोसाइडल है या बैक्टेरियोस्टैटिक है. कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टेरियोसाइडल्स होती हैं, कुछ होती हैं बैक्टेरियोस्टैटिक. अब बैक्टेरियोसाइडल्स कौन सी हैं? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल कर दें. ऐसी एंटीबायोटिक जो मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया को किल कर दें वो कौन सी कैटेगरी में आती है बच्चों? इज इट क्लियर? ओके. और जो सेकंड है हमारे पास बैक्टेरियोस्टैटिक, वो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं दैट स्टॉप बैक्टेरियल ग्रोथ. इट्स मीन वो मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया को किल नहीं करी, जस्ट उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देंगी. तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे एंटीबायोटिक्स? बैक्टीरियोस्टैटिक. ओके, तीन ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स हैं यहाँ पर आपकी बुक में. नंबर वन सेफलोस्पोरिंस, टेट्रासाइक्लिन, सल्फर ड्रग्स या सल्फोनामाइड्स. ठीक है, नंबर वन क्या है बच्चों? सेफलोस्पोरिंस. बोले मेरे साथ, सल्फर ड्रग्स. अब हम पहला ग्रुप देखते हैं सेफलोस्पोरिन है क्या और ये किस तरह से इन्फेक्शन को ट्रीट करती है. सेफलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक्स हैं ऐसी हैं जो कि इंटरफेयर कर रही हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया किसी पेशेंट की बॉडी में चला गया है. ठीक है, उसके लिए उसकी जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज कर रहा है किसी भी शख्स की बॉडी में उसकी भी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे बच्चों? सेफलोस्पोरिन. अंडरस्टैंड? और ये किस टाइप की, ये किस कैटेगरी में आएंगी एंटीबायोटिक्स की? क्योंकि ये जब सेल वॉल ही डिस्ट्रॉय हो रही है इट्स मीन बैक्टीरिया किल हो रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई है? बैक्टीरिया. कौन सी कैटेगरी में आ गई है? ठीक है, और ये कौन सी इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज की जाती है? नमोनिया के अगेंस्ट. सोर थोड़ा, अगर किसी का गला खराब है बहुत देर तक है, काफी अच्छे से गला खराब है, तब भी जो डॉक्टर है वो उसको सेफलोस्पोरिन मेडिसिन देगा एंटीबायोटिक. ठीक है, या नमोनिया हो गया है किसी को, या उसको टॉन्सिल्स है. ठीक है, गला खराब और टॉन्सिल्स तकरीबन एक जैसी ये है इन्फेक्शन. और ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस क्या था? यस, ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तब भी जो डॉक्टर है वो कौन सी एंटीबायोटिक देगा उसको? नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन. ये क्या करता है? टेट्रासाइक्लिन ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरियल प्रोटीन को रोकती है, इनहिबिट करती है, उसकी प्रोटीन बनने से रोक देंगी, उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देंगी. अंडरस्टैंड? और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, यानी कि अगर अभी तो हमने इसकी दो कैटेगरी दिखी है बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स की, बैक्टेरियोसाइडल या बैक्टेरियोस्टैटिक. अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि ये कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पर यूज हो रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम के तौर पर यूज हो रही हैं. ठीक है, ब्रॉड उसके नेम से पता चल रहा है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के लिए यूज हो, यानी कि लिमिट ना हो कि ये इसी इन्फेक्शन के लिए यूज हो रही है. मुख्तलिफ इन्फेक्शन के लिए जब भी हम कोई एंटीबायोटिक यूज करेंगे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है. किस में आती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ठीक है, जबकि नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो नाम से पता चल रहा है कि लिमिट कर दिया है कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो सिर्फ कुछ इन्फेक्शन के लिए यूज की जाएंगी और वो किसी और इन्फेक्शन के लिए एज अ ट्रीटमेंट यूज नहीं की जाएंगी. वो नैरो स्पेक्ट्रम में आती है. वो किस में आती है? यहाँ पे अभी हमने बात की टेट्रासाइक्लिन की, ये कौन से स्पेक्ट्रम से बिलोंग कर रही है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ठीक है, यानी कि ये एक से ज्यादा इन्फेक्शन के लिए एक टाइम पे यूज हो सकती है. अंडरस्टैंड?
फर्स्ट है और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये कौन कौन से इन्फेक्शन के लिए यूज हो रही है, रेस्पायरेटरी ट्रैक, अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है तब भी ये टेट्रासाइक्लिन यूज होगी, किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है तब भी यूज हो रही है, देखिए एक से ज्यादा इन्फेक्शन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। थर्ड वन इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गया तब भी ये टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जा सकता है। और एक एडवाइस की जा रही है कि ऐसे बच्चे जो ग्रोइंग एज में मीन जिनके टीथ अभी निकल रहे हैं, ठीक है, मिल्क टीथ के बाद जो टीथ बन रहे होते हैं परमानेंट, जब वो निकल रहे हैं तो उनको टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी चाहिए, वरना उनकी ग्रोथ पे असर होता है, अंडरस्टैंड बच्चों, या टूथ डेवलपमेंट पे असर होता है। लास्ट ग्रुप था हमारे पास सल्फर ड्रग्स का, ये क्या है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको सिंथेसाइज किया जा रहा है लेबोरेटरी में, इनको सिंथेटिक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, हम बना रहे हैं लेबोरेटरी में, अंडरस्टैंड, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये एक से ज्यादा मल्टीपल इन्फेक्शन के लिए यूज हो रही है सल्फर ड्रग्स भी। और ये क्या करती है बैक्टीरिया को, ये इनहिबिट रोक देती है फॉलिक एसिड बनने से बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और ये कौन कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है, नमोनिया के लिए भी यूज हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, एंड मेनी मोर, इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज और बताती चलूँ, मैंने अभी बात की थी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, नैरो स्पेक्ट्रम की, मैंने मीनिंग तो बता दी थी, डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, क्या नाम है, आपकी बुक में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दी है तो मैंने लिख दिया, आप साथ राइट कर लें अपनी बुक में। सेकेंड है हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम, द एंटीबायोटिक दैट आर यूज्ड टू ट्रीट फ्यू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम, इसमें हमारे पास आ जाता है बेंसोमाइसिन मेडिसिन का नाम, क्लियर हो गया बच्चों? Yes.